नमस्कार, मैं आपका सेवक मिहिर कोटेचा। आज अक्षय तृतीय, आप सभी को अक्षय तृतीय की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज ईद भी है, हमारे मुस्लिम भाइयों को ईद मुबारक। आज मुंबई में 1657 नए केसेस आए हैं। हमारे मुलुंड की बात करें तो 53 नए केसेस आए हैं। दो महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा। एक, कल और परसों यानी शनिवार और रविवार पूरे मुंबई में वैक्सीनेशन बंद रहेगा, ऐसा महानगर पालिका से आदेश आया है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार इन तीन दिनों पर ज्येष्ठ नागरिकों के लिए अपने सेकेंड डोज के लिए वॉक इन रजिस्ट्रेशन अलाउ किया गया है, इसकी आप जानकारी रखिए। बहुत सारे नागरिक ऐसे हैं जिनके लंग बहुत ज्यादा इन्फेक्ट हो गए थे और हॉस्पिटल में डिस्चार्ज मिलने के बावजूद डॉक्टर्स ने उनको सलाह दी है कि घर पे भी एक हफ्ता 8 दिन के लिए आपको ऑक्सीजन लेना होगा। ऐसे हमारे नागरिकों के लिए मेरे देवीदयाल रोड स्थित ऑफिस पर हमने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की व्यवस्था रखी है। अगर आपको अपने घर पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर चाहिए होगा तो आप वहां पे आ सकते हैं। आपको वहां पे आपके हॉस्पिटल का जो डिस्चार्ज समरी में रिकमेंडेशन नोट होता है कि घर पे आपको 8 दिन वहां पे ऑक्सीजन लेना होगा, वह लाना होगा और आपको ज्यादा से ज्यादा 10 दिनों के लिए यह ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मुफ्त यूज करने दिया जाएगा। 10 दिनों के पश्चात आपको वह मेरी ऑफिस पर आकर लौटाना होगा। बहुत सारे नागरिक फोन कर रहे हैं कि ड्राइव इन मुलुंड के कालिदास में कब शुरू होगा। मेरा फॉलो अप चालू है और मैं आपको यह आश्वासन देता हूं, आने वाले हफ्ते में मुलुंड में भी ड्राइव इन वैक्सीनेशन शुरू कर दिया जाएगा। आप सभी सतर्क रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।